नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच आज से शुरू। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 9 मार्च से शुरू होगा। राज्य में 67 केंद्रों पर कॉपियों की जांच होगी। मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए 36 व इंटर के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन को लेकर जैक कार्यालय में सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त उपनिदेशक, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व केंद्र निदेशक की बैठक हुई है। बैठक में जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो, उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह व सचिव एसडी तिग्गा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षकों को एक दिन में 50 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया। मूल्यांकन केंद्र में बाहरी व अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं मूल्यांकन कार्य सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मूल्यांकन केंद्र में केंद्र निदेशक को छोड़कर कोई भी परीक्षक या कर्मी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। मूल्यांकन केंद्रों को वैसी उत्तर पुस्तिका का पैकेट वापस करने को कहा गया जिसके आवंटन संबंधित केंद्र को नहीं किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव बारात में शामिल हुए सीएम चंपई सोरेन। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी बाबा से झारखंडियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की है। उन्होंने कहा है कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को उनकी सरकार संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर की देश में अलग पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन महाशिवरात्रि के अवसर पर रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने पूरे विधि विधान से पहाड़ी बाबा की पूजा अर्चना की है और समस्त झारखंडियों की सुख समृद्धि, उन्नति और कल्याण की कामना की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज महाशिवरात्रि है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना कर हम सब महाशिवरात्रि का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 10 मार्च को बरहेट जाएंगी कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार रविवार 10 मार्च को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र जाएंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान वहाँ वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन की बरहेट यात्रा का उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। साहेबगंज जिले के पटना में शुक्रवार को झामो कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर इस पर गहन विमर्श किया है। महाशिवरात्रि पर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को बाबा नगरी देवघर का दृश्य देखते ही बन रहा था। सुबह 3:05 से बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का पट खुला। सबसे पहले कांचा जल पूजा हुई। इसके बाद 4:35 से आम भक्तों ने पूजा अर्चना शुरू की है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर ने बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, क्यू कॉम्प्लेक्स, नेहरू पार्क, शिवराम झा चौक के अलावा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कर विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा की जानकारी ली है। उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनके साथ बोल बम के नारे भी लगाए। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाते हुए उपायुक्त ने उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। सुबह सुबह रूट लाइन के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त पुलिस के जवानों व दंडाधिकारियों की टीम को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। झामुमो के चक्रव्यूह में फंस जाएगी बीजेपी, 3 मुद्दों को लेकर प्लान तैयार। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म है। झामुमो अब सॉलिड रणनीति के तहत काम करने में लग गई है। वह भाजपा को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर सियासी चाल चलने को तैयार है। इसी क्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर मुखर होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है। विनोद पांडे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहता है। इसमें राज्य सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दलों के सांसद, विधायक और वरीय नेता शामिल रहेंगे। बता दें, प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से जनगणना में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मान्यता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति संबंधी मांग के संदर्भ में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेगा।
बारात में शामिल होने उड़ीसा जा रहे 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत। उड़ीसा में सड़क हादसे के शिकार हुए गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनपो सहायता गांव के 3 युवकों के शव गांव में लाए जा रहे हैं। युवकों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर और पूरे गांव गमगीन है। गुरुवार को वनपो सहायता ग्राम निवासी गोराय सरदार के पुत्र गणेश सरदार की बारात उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के लाठीकाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टाधारा गाँव जा रही थी। गांव से 5 कमांडर जीप पर सवार होकर लोग बारात में गए थे। इसी दौरान मुंडा जोर गांव के पास एक कमांडर जीप दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। जीप पर सवार 3 युवक 33 वर्षीय धर्मदास मुंडा, 18 वर्षीय शालेंद्र सरदार और 24 वर्षीय बिरसा गोप की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए थे। गुमला के विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, 9 आरोपित गिरफ्तार। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र के पतूरा गांव निवासी रामो इंदवार 55 वर्षीय ने पिछले कई दिनों से भटक रही एक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया। रामो इंदवार की सहमति से दुष्कर्म का वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने वायरल कर दिया। इस पूरे प्रकरण में शामिल 9 लोगों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, बुधवार की रात वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तब पता चला कि लाल रंग के अल्टो कार से कुछ लोग जंगल की ओर गए हैं। सीएम का गिरिडीह दौरा टला, 10 को आएंगे पीराटांड। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का गिरिडीह दौरा अब 10 मार्च को शिफ्ट हो गया है। इससे पहले 9 मार्च को सीएम का यह दौरा प्रस्तावित था। गिरिडीह के पीराटांड में मुख्यमंत्री मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मधुबन थाना के बगल में स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। गौरतलब है कि 29 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग में चंपई सरकार ने पीराटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी थी। बहुप्रशिक्षित पीराटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को करीब 551 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके तहत बराकर नदी में डायवर्सन वियर और पंप हाउस बनाकर नदी का पानी भूमिगत पाइपलाइन से पीराटांड प्रखंड के गांवों में खेतों तक पहुंचाया जाएगा। 11 अप्रैल को सरहुल पर्व सरना समिति ने शुरू की तैयारी। आदिवासी बासा ओड़ा में जिला सरना समिति की बैठक अध्यक्ष के हरदयाल भगत के अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक का संचालन सचिव बिरसा मुंडा ने किया। बैठक में आगामी 11 अप्रैल को सरहुल पर्व मनाने पर विचार विमर्श किया गया। पूर्वाहन में पूजा अर्चना के बाद अपराहन 2 बजे से मंचीय कार्यक्रम होगा और 3 बजे से नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए विभिन्न अखाड़ों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। आयोजन की सफलता के लिए गांव में व्यापक प्रचार प्रसार व जनसंपर्क भी किया जाएगा। बैठक में प्रोफेसर तुलेश्वर उराव, जीप सदस्य विनोद उराव उपस्थित थे। राज्य भर में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा के निर्देश पर राज्य भर की जिला अदालतों एवं समाहरणालय में साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को लगेगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और बेंच का गठन किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों को मिलाकर 10 लाख से अधिक पार्टियों को नोटिस भेजा गया है। रांची में लगने वाली लोक अदालत में निष्पादन का लक्ष्य 1 लाख से अधिक रखा गया है। वहीं 1,25,000 से अधिक पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है। पिछले साल लगी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में हाई कोर्ट में 138 मामलों का निष्पादन किया गया था। जिला अदालतों एवं समाहरणालय में लगी लोक अदालत में 4,55,000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया था। वर्ष 2024 तक 3,99,000 शौचालय बनेंगे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2024 तक राज्य के विभिन्न गांवों में 3,99,000 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम स्तर पर छूटे गए लाभुकों का नवनिर्मित घरों में इन शौचालयों का निर्माण कराना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य मद की राशि 60-40 की होती है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक राज्य में 42 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया है। पलामू में पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या कर दफनाया। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में मथुरा सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री पम्मी कुमारी की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर गंजा के नशे में धुत रहता है। ये घटना सोमवार की बताई जाती है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरुवार की शाम चैनपुर थाना को दी है, जिसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
मजिस्ट्रेट चैनपुर अंचलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार की मौजूदगी में सेवरी नदी के समीप कटवल दह के पास खोदे गए ट्रेट से शव को निकाला गया है। धन्यवाद।